क्या एक्टर प्रतीक बब्बर और दीपिका पादुकोण के प्रोफेशनल लाइफ में कोई सिमिलैरिटीज हैं? एनी गेसेस? वेल, फिल्म आरक्षण में एक साथ काम करने के अलावा और कोई सिमिलैरिटी तो इन दोनों स्टार्स की प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दिखती, लेकिन हाँ, इन दोनों स्टार्स की पर्सनल लाइफ की कहानी कुछ कुछ एक जैसी है। जी हाँ, ये दोनों एक्टर्स का दिल बॉलीवुड में एंट्री करने के तुरंत बाद ही टूट गया। और दीपिका का आके टैटू तो आपको याद ही होगा। अपने रिलेशनशिप के दौरान दीपिका इस टैटू को खूब फ्लॉन्ट किया करती थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद ये टैटू दीपिका के लिए मुश्किल का सबब बन गया। दीपिका समझ नहीं पा रही है कि इसे हटाया जाए या यूं ही रखा जाए। और ऐसे ही कुछ डिलेमा में आजकल एक्टर प्रतीक बब्बर भी हैं। फिल्म एक दीवाना था के समय परवान चढ़ी एमी और प्रतीक की लव स्टोरी का दी एंड हो चुका है, और प्रतीक ने भी अपने रिलेशनशिप के दौरान एमी के लिए अपना प्यार जाहिर करने के लिए अपने हाथों पर लिख लिया था मेरा प्यार एमी। पर अब ब्रेकअप के बाद प्रतीक के लिए ये प्यार भरा टैटू सैडनेस और पेन की वजह बन गया है, और वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। But since it is a very expensive and painful surgery which requires a lot of time and sitting, so Prateek doesn't know what to do now. Well, Prateek ko ab is maamle mein bhi Deepika se seekh leni chahiye. Ab Deepika ko na to Ranbir ke naam se aur na hi Ranbir ke tattoo se koi problem hoti hai. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai.